अब यहां पर देखते हैं ए बी बी सी सी डी डी ई। अब आपको ये एक सीट दिखाई दे रही है, अब इनके अंदर भी एक पैटर्न छुपा हुआ है, वो क्या है वो देखते हैं। ए के बाद बी, ठीक है, और यहां पर बी दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। बी के बाद क्या है सी, ठीक है, सी सी फिर रिपीट हो गया, सी के बाद है डी, डी फिर रिपीट हो गया और डी के बाद है ई। तो यहां पर ये जो पैटर्न है इनके आप शुरू में देख सकते हैं, ए बी, बी फिर रिपीट होके बी सी, सी रिपीट होके सी डी, डी रिपीट होके डी ई। तो आगे क्या होगा, ई फिर रिपीट होगा और क्या आएगा ई एफ, ठीक है। यानी हमने जो पीछे वाला जो डिजिट पीछे वाला जो अल्फाबेट है उसको रिपीट करना है और उससे आगे का देखना है। जैसे ए बी में बी रिपीट हुआ, बी के बाद जाता है सी, अब सी रिपीट हुआ, सी के बाद जाता है डी, डी रिपीट हुआ, डी के बाद जाता है ई, ई रिपीट हुआ, ई के बाद जाएगा एफ, और इसके आगे एफ रिपीट होगा और एफ के बाद जाएगा जी। क्लियर है ये? इसी प्रकार हम इसको आगे तक पढ़ाते जाएंगे। अब यहां देख लेते हैं 16, 26, 36, 46। अब हम देख रहे हैं 16 और 36 में क्या अंतर है, यहां देख लेते हैं हम 16। अब यहां सबसे पहले एक अंक दिया है, फिर दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और छह हमारा रिपीट हो रहा है, हो रहा है। इस प्रकार भी हम इसको पैटर्न को पूरा कर सकते हैं, एक के बाद दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और चार के बाद क्या आएगा पांच, और इधर से हमारा छह छह रिपीट हो रहा है, तो यहां भी क्या आएगा छह। अब पांच के बाद क्या आएगा छह, और छह हमारा रिपीट हो रहा है छह, इस प्रकार भी कर सकते हैं। और हम यहां देखें दूसरा जो होगा इसका वो है 16 और 26 में अंतर है 10 का, कितने का है 10 का, 16 और 10, 26, 26 और 10, 36, 36 और 10, 46, 46 और 10, 56, 56 और 10, 66। इस प्रकार हम 10-10 का, देखो 10-10 का सबके अंदर गैप है, तो इस प्रकार ये पैटर्न हम बना सकते हैं 10-10 का गैप इसको ढूंढ के, ठीक है। आगे है, आगे 32 ए, 31 बी, 30 सी और 29 डी। अब यहां पर भी एक पैटर्न क्या बन रहा है, देखो यहां पर अगर हम संख्या की बात करें 32 में से घट गया एक, 31 में से एक घट गया 30 में से एक घट गया 29, यहां पर ये माइनस एक एक होते जा रहे हैं, ठीक है, हो रही है। तो आगे क्या आएगा, एक को माइनस कर दो, यहां पे आ गया 28 29 में से एक अंक घटाते हैं तो 28 29 माइनस एक 28। अब यहां पर देखो अल्फाबेट अगर हम देखें ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा ई। तो हमारा नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा 28 ई। इसके अगर आगे की बात करें 28 में से सिर्फ एक फिर घटा दो क्या आएगा 27 माइनस होगा एक, और उभर अगर हम बात करें अल्फाबेट की, अल्फाबेट बढ़ रहे हैं इनके ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आएगा एफ, ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस पैटर्न को पूरा करते हैं और आगे के सवाल हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।